Hello and welcome kids once again to your science classes of grade 3. And in this part of the video kids, I am going to revise the keywords plus book exercises as well as question answer of chapter number 2, that is safety and first aid of your science course book. So the topic which I am going to revise for your midterm syllabus is safety and first aid, because this chapter is also coming this time in your midterm syllabus of session 2020-21. Okay, so let's have a quick recap of this chapter, in which first I have taken out the keywords. The let's memorize section which is given in your book at the end of the chapter, that is only the keywords or definition part of that particular chapter. And this let's memorize section, it is given at the end of each and every chapter in your science course book. Okay, so this is very important. So let's start. It is given in my science book in page number 18. Okay, and the topic is safety and first aid. So the first keyword is subway, S-U-B, sub, W-A-Y, way, subway. Subway is a tunnel under a road for use by pedestrians. P-E-D-E-S, pedestrians, T-R-I-A-N-S, trians. So subway एक ऐसा tunnel है, tunnel में सुरंग है, एक ऐसा passage है जो सड़क के नीचे, अंडर अ रोड, सड़क के नीचे बना होता है, और उसे कौन यूज कर सकते हैं? पेडेस्ट्रियंस. पेडेस्ट्रियंस मींस जो लोग, विच द पीपल हु वॉक ऑन देयर फुट, जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं. ओके, दोज आर नोन एज पेडेस्ट्रियंस, दोज हु वॉक ऑन देयर फुट. सो सबवे इज अ टनल अंडर अ रोड फॉर यूज बाय पेडेस्ट्रियंस. नेक्स्ट इज द फुट ब्रिज. फुट ब्रिज, फुट ब्रिज इज अ ब्रिज डिजाइंड टू बी यूज बाई पेडेस्ट्रियंस. फुटब्रिज जो है एक ऐसा पुल है, ब्रिज मीन्स पुल, जो डिजाइन किया हुआ है टू बी यूज बाई पेडेस्ट्रियंस. फुटब्रिज इज ऑल्सो मेंट फॉर क्रॉसिंग द रोड फॉर द पेडेस्ट्रियंस, मीन्स द पीपल हु वॉक ऑन देयर फुट, दे कैन क्रॉस द रोड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड बाई यूजिंग दिस फुटब्रिज. आई थिंक देयर इज अ डायग्राम ऑल्सो गिवन ऑफ फुटब्रिज इन पेज नंबर 17 ऑफ माई साइंस बुक. हियर यू कैन सी, this is the diagram of a footbridge, okay, and it is built over the road using which the pedestrian, the people who are moving on their foot, they can cross the road from one side to the another side. Okay, next is the first aid, the immediate, immediate, immediate help given to an injured person is called first aid. Yes, मतलब जो तुरंत हेल्प हम करते हैं, इमीडिएट मीन्स एट वंस, क्विकली, जो हम क्विक हेल्प देते हैं किसी भी चोट लगे हुए इंसान को, इंजर्ड पर्सन मीन्स द पर्सन हु हैज गॉट हर्ट, तो उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द एंटीसेप्टिक, A-N-T-I, एंटी, S-E-P-T-I-C, सेप्टिक, एंटीसेप्टिक. सो एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स. एंटीसेप्टिक वो सब्सटेंस है, वो चीज है, वो थिंग है जो कीटाणुओं को, जर्म्स मीन्स कीटाणु, उन्हें किल कर देती है, उन्हें मार देती है. ठीक है, सो यू मस्ट हैव सीन एंटीसेप्टिक लोशन, फॉर एग्जाम्पल डेटॉल, सेवलॉन, विच इज केप्ट इन योर होम. ओके, एंड वेन एवर वी गॉट हर्ट, देयर इज लिटिल कट और इंजरी टू आवर बॉडी, वी क्लीन दैट वुंड विद द हेल्प ऑफ एन एंटीसेप्टिक लोशन आफ्टर वॉशिंग दैट वुंड. ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू किल द जर्म्स. ओके, and let's see what is given in the let's revise section, that we should be careful and alert to avoid injuries. Yes, हमें बहुत ही ज्यादा सावधान और अलर्ट, सचेत रहना चाहिए ताकि हम चोट को अवॉइड कर सके, उन्हें अपनी लाइफ में आने से, होने से रोक सके, अवॉइड कर सके. ऑब्वियसली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, मतलब हाउ कैन वी कीप आर सेल्फ सेफ वेन वी आर एट होम, वेन वी आर इन स्कूल, वेन वी आर ऑन द रोड, and what are the simple first aid tips which we should learn, which we should know while treating an injured person, the person who has got hurt, who has got cut his finger, or there is minor injuries. Okay, so we have to be very careful and alert to avoid injuries. Next, we should follow safety rules everywhere and at all time. हमें जो है safety rules, मतलब सुरक्षा के जो नियम बने हुए हैं, उन्हें हर जगह और हर समय उसे फॉलो करना चाहिए, सो दैट वी कैन कीप आर सेल्फ सेफ, वी कैन कीप आर सेल्फ अवे फ्रॉम इंजरीज, एंड वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. ओके, तो हमें हर समय, एवरीवेयर मीन्स हर प्लेस पे, एवरीवेयर, एट ऑल द प्लेसेस, एंड एट ऑल टाइम मीन्स हर समय, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उन्हें
मानना चाहिए सुरक्षा के नियमों को. इफ समबडी गेट्स हर्ट वी नीड टू गिव हिम फर्स्ट एड इमीडिएटली. अगर किसी को चोट लग गई है तो हमें जरूरत है कि हम उसे तुरंत फर्स्ट एड, इमीडिएटली मीन्स एट वंस, वी शुड गिव फर्स्ट एड, वी शुड गिव ट्रीटमेंट टू दैट पर्सन, वी शुड हेल्प दैट इंजर्ड पर्सन. ओके, नाउ टेक आउट द बुक एक्सरसाइजेस. ओके, लेट्स आंसर, दैट इज टिक द करेक्ट आंसर. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आर दिस, इन विच देयर इज वन स्टेटमेंट एंड फोर ऑप्शन आर गिवन. आउट ऑफ दोज फोर ऑप्शन यू हैव टू टिक मार्क और चूज द करेक्ट वन फॉर द गिवन स्टेटमेंट. So first is, we should not touch electric switches with dry hands, bare hands, wet hands, left hand. So correct answer will be wet hands. हमें electric switches को नहीं touch करना चाहिए, किससे? तो गीले हाथों से. We should not touch electric switches with wet hands because there are chances that we might get an electric shock. Second, we should always walk on the footpath, wall, road, terrace. टेरेस का मतलब होता है छत. हमें कहाँ पे वॉक करना चाहिए? तो वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, द साइड सीमेंटेड पेवमेंट विच इज बिल्ड ऑन द रोड दैट इज मेंट फॉर वॉकिंग बाय द पेडेस्ट्रियंस. तो हमें हमेशा सड़क पे कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ को यूज करते हुए वॉक करना चाहिए. थर्ड, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड द फर्स्ट एड, लास्ट एड, सेफ्टी एड, सेकेंड एड. एंड वी हैव रीड द डेफिनेशन कीवर्ड्स ऑल्सो इन book also we have studied this thing that first aid is the immediate help given to an injured person. So the correct answer will be first aid option. Fourth, we should play with blade, toys, knife, scissors. Hame kis cheez ke sath khelna chahiye? So obviously we should play with our toys. Kids should play with their toys, not with the blade, not with knife, not with scissors, because these are sharp objects and if you will try to play with these objects you might get hurt or cut your fingers and other body parts. So students, kids, they should always play with toys. Fifth, we should follow safety rules at home, school, market, all places. So we should follow safety rules at all the places, because right now we have studied that we should follow safety rules at all the time and everywhere. Everywhere means har jagah, at all the places. So all the places will be the correct option. Question number B is, write T for true and F for false statements. So first is, we should give immediate help to an injured person. Obviously it is a true statement. किसी भी चोट लगे हुए इंसान की हमें तुरंत मदद करनी चाहिए, तो it is a true statement. So we will write T. Second, on the road there is no need to be careful. क्या सड़क पे सावधान रहने की जरूरत नहीं है? तो this is a wrong statement. सबसे ज्यादा careful रहने की जरूरत तो सड़क पर ही है. We should be very much alert and careful while walking on the road. So it will be a false statement. थर्ड, वी शुड नॉट क्राउड अराउंड एन इंजर्ड पर्सन. किसी चोट लगे हुए इंसान के आसपास हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए. क्राउड मीन्स गैदरिंग ऑफ द पीपल, कलेक्शन ऑफ द पीपल. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. किसी भी चोट लगे हुए इंसान के आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्राउड वहाँ पे नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन वे नॉट बी एबल टू गेट फ्रेश एयर एंड ही मे गॉट ही और सी मे गॉट स्केयर्ड. ओके, दैट इज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ. सो इट शुड नॉट बी डन. So this is a true statement. Fourth, we should not push our friends on swings. Swings means झूले. हमें अपने friends को swings पे push नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए. This is also a true statement. Fifth, we should get out of a moving bus. क्या चलती हुई bus से हमें नीचे उतरना चाहिए? No, this is a very bad practice. This is a wrong activity. So it is a false statement. Come to question number C, that is name the following. First, एनी टू थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विथ. आपको ऐसी कोई भी दो चीजों के नाम लिखने हैं जिससे आपको नहीं खेलना चाहिए. तो ब्लेड, सेकेंड इज द सीजर्स और नाइफ, बिकॉज दीज आर द शार्प ऑब्जेक्ट्स. वी शुड नॉट प्ले विथ दिस बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर प्लेइंग. दीज आर नॉट अ प्लेइंग ऑब्जेक्ट, दीज आर नॉट टॉयज. इफ वी विल ट्राई टू प्ले विथ दिस वी माइट गेट हर्ट. ओके, सो ब्लेड, बी एल ए डी, ब्लेड, सीजर्स, एस सी आई सी डबल एस ओ आर एस, सीजर्स और नाइफ. So any of the out of these three, any two things you can learn, you can write. Next is the second, any one safety rule to be followed in the classroom. आपको आपकी classroom में कौन सा एक safety rule follow करना चाहिए? Kids, it is very important that you should learn the safety rules to be followed at home, in the classroom, or in the school, or in the playground, or on the road. At least four points you should learn.
by reading the chapter, okay, by watching the explanation videos of this chapter. Because safety at home, lots of points are given. Safety at school, again so many points are given. Then safety on the road, so many points are given, that we should not play on the road, cross the road through a subway footbridge, okay, always cross the road at the zebra crossing, always walk on the footpath, do not try to get in or out of a moving vehicle, do not put any part of your body out of a moving bus. So at least 4 points you should learn of the safety rules followed at home, followed in school and followed on the road, okay. So here in the question it is asking any one safety rule to be followed in the classroom. So koi bhi ek safety rules aap yahan pe likh sakte ho. So we should sit properly on the benches and should not climb on it. Jo benches hoti hain us pe aapko properly baithna chahiye aur benches pe chadhna nahi chahiye, un pe jumping nahi karni chahiye, wahan se koodna nahi chahiye. You should not jump and climb over that, because chances are that you might get hurt, you might fall down and you might hurt your head or hands or legs. ओके तो आपको आराम से अच्छे से अपने बेंचेस पे बैठना चाहिए. देर आर सो मेनी अदर रूल्स ऑल्सो दैट यू शुड ऑलवेज वॉक इन अ क्योर. ओके यू शुड नॉट पुश एनीवन एट द स्विंग्स इन द प्लेग्राउंड ऑफ द स्कूल और ऑन द स्टेयर्स एंड यू शुड नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट्स एट ईच अदर. ओके व्हाइल यू आर इन द क्लासरूम. ओके सो दीज आर सम ऑफ द सेफ्टी रूल्स विच यू शुड फॉलो इन द क्लासरूम. थर्ड, टू थिंग्स विच आर यूज टू क्लीन अ ब्लीडिंग वुंड. ब्लीडिंग वुंड मीन्स ऐसा चोट, ऐसी घाव जहां से खून बह रहा हो. ब्लीडिंग मीन्स द ब्लड कमिंग आउट. वुंड मीन्स चोट, हर्ट, इंजरी. तो ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एक ब्लीडिंग वुंड को क्लीन करने के लिए. तो वन इज द कॉटन, COTTON कॉटन. अनदर वन इज द एंटीसेप्टिक लोशन, एग्जाम्पल सेवलॉन. यू कैन ऑल्सो राइट डेटॉल, DETOL, डेटॉल. ओके बिकॉज दिस बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन एंटीसेप्टिक लोशन. So these are the two things using which we can clean up bleeding wound. Now kids, there is the question answer part which I am going to discuss with you. Answer the following questions. Okay, so let's see what is the first question of this chapter, that is safety and first aid question answers. So the first question is, what are subways used for? So answer is, subway is a tunnel under a road for use by pedestrians टू क्रॉस द रोड. सबवे क्या है? वो एक टनल है. टनल मीन सुरंग, ठीक है, और जो सड़क के नीचे बनी होती है और किसके यूज के लिए? फॉर यूज बाई पेडेस्ट्रियंस, PEDES, PEDESTRIANS. पेडेस्ट्रियंस मीन्स द पीपल हु आर वॉकिंग ऑन देयर फूट, मतलब पैदल चलने वाले लोग, ठीक है. तो सबवे क्यों बनी होती है? ताकि पेडेस्ट्रियंस उसे यूज कर सके रोड को क्रॉस करने के लिए. फाइन. सेकेंड, Why should we not touch electric switches with wet hands? हमें electric switches को, बिजली के जो switches होते हैं, उन्हें गीले हाथों से क्यों नहीं touch करना चाहिए? Answer is, we should not touch electric switches with wet hands as we might get an electric shock. क्योंकि ऐसा करने से chances are there कि हमें बिजली के झटके लग सकते हैं. We might get an electric shock. इसीलिए हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए. एंड इवन आई विल सजेस्ट दैट द किड्स, स्मॉल किड्स लाइक यू पीपल, शुड नेवर टच द इलेक्ट्रिक स्विचेस और इलेक्ट्रिकल वायर्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय योरसेल्फ, बिकॉज इट कुड बी रिस्की, इट कुड बी डेंजरस फॉर योर सेफ्टी एंड हेल्थ. ओके सो यू शुड स्टे, रिमेन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और इलेक्ट्रिकल स्विचेस. ओके यू शुड नॉट टच दैम फॉर योर सेफ्टी. थर्ड, वाई शुड वी नॉट लीव आर टॉयज ऑन द फ्लोर. हमें अपने खिलौने फर्श पर क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? आंसर इज, वी शुड नॉट लीव आर टॉयज ऑन द फ्लोर एज समवन माइट ट्रिप ओवर देम. ट्रिप ओवर देम मीन्स कि किसी का पैर उस पर पड़ सकता है और वो फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, ठीक है. तो अगर आप अपने टॉयज को पूरे फर्श पे, रूम में, अपने बेडरूम में फैला कर रखोगे, स्प्रेड करके रखोगे, देन व्हाट आर द चांसेस कि एनीबॉडी, अनदर पर्सन विल एंटर द रूम एंड एक्सीडेंटली ही माइट फॉल ओवर देम, हिज और हर लेग्स, इट मे ट्रिप ओवर देम. उन खिलौनों के ऊपर वो फिसल सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है गिरने के बाद. ओके एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड हैबिट फ्रॉम योर किड्स, फ्रॉम यू किड्स. ओके यू शुड ऑलवेज प्ले विथ योर टॉयज एंड आफ्टर योर प्लेइंग इज ओवर यू शुड अरेंज योर टॉयज और यू शुड कीप योर टॉयज एट इट्स प्रॉपर प्लेस. दैट इज अ गुड हैबिट.
But if you will leave your toys on the floor or here and there, that is a bad habit, and that may cause hurt to other persons also, because someone might get trip over them. कोई भी उसपे फिसल सकता है और उन्हें चोट लग सकती है गिरने के बाद. Okay? So that's why we should not leave our toys on the floor, क्योंकि someone might trip over them. Fourth, list two safety rules you must follow at home. आप अपने घरों पे ऐसे कौन से दो सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे वो आपको बताने हैं. आंसर इज सेफ्टी रूल्स विच वी मस्ट फॉलो एट होम आर. सो द वेरी फर्स्ट सेफ्टी रूल इज वी शुड नॉट प्ले विथ फायर और नियर गैस स्टोव्स एज वी मे गेट बर्न. Yes, the very first safety rule to be followed at home is कि हमें आग के नजदीक, fire means आग, आग के नजदीक नहीं जाना चाहिए, या जो gas stoves है उनके आसपास नहीं जाना चाहिए, वहां खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम जल जाए. Burnt means हमें burnt injury हो सकती है. Okay, because fire is a very dangerous thing. If it is not handled, not used carefully, alertfully, then it may prove dangerous. It may prove injury. Or someone might get burned because of that. Okay? So especially the small kids like you or other small children in your home, they should not go near the gas stove in the kitchen area. Okay? They should not play with the fire, candles, matchstick, like these things, because these are dangerous things. Okay? You might get burned or hurt yourself if you are playing with these items, with these things. So you should better avoid them. You should not go near the fireplace, near the gas stoves and all that. Second is, we should not run in the house as we may slip or bump into the furniture. FURNITURE, nature, furniture. हमें अपने घरों में रनिंग नहीं करनी चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि हम फिसल सकते हैं. स्लिप मीन्स हमारी पैर स्लिप हो सकती है, फिसल सकते हैं, या हमारा सिर जो है, हाथ पैर जो है, वो टकरा सकते हैं फर्नीचर से. बम्प का मतलब होता है टकरा जाना. व्हेन यू हिट सम ऑब्जेक्ट, ओके, व्हेन यू गेट बम्प इनटू सम ऑब्जेक्ट्स लाइक फर्नीचर, लाइक सोफा, चेयर, टेबल, अलमीराज, कबर्ड्स और बेड दैट इज बीइंग प्लेस्ड इन योर होम. ओके, सो हमें घर में कभी भी रनिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अ प्लेग्राउंड एरिया. इट इज नॉट सपोज टू बी रनिंग. ओके, यू आर द होम इज नॉट मेंट फॉर रनिंग. ओके, यू शुड वॉक वेरी स्मूथली, वेरी केयरफुली. Okay, and slowly even. So this was the second safety rule which you should follow at home. One more safety rules you can learn, that you should not play with sharp objects like blade, scissors, knife, etc., as you might get hurt or injured. Next question is, what is first aid? So answer is, the immediate help given to an injured person is called first aid. Immediate means at once, तुरंत, quick. तो जो हम तुरंत help करते हैं, मदद करते हैं, दिया जाता है जो मदद किसी भी चोट लगे हुए इंसान को, किसी भी hurt person को, injured person को, उस मदद को ही हम क्या कहते हैं scientific language में, we call it first aid. हम उसे first aid कहते हैं. Okay? So the immediate help given to an injured person is called first aid. Next question is, kids, write any three safety rules to be followed on the road. आपको safety rules लिखने हैं जो आपको road पे, while traveling on the road, you should follow. So, three safety rules to be followed on the road are, first is, we should not play or run on the road. Yes, this is a very important, कि जो सड़क है, that is a very busy place, always the vehicles are coming and going over there. So you should never play or run on the road. कभी भी वहां पे खेलना नहीं चाहिए, वहां पे रनिंग नहीं करनी चाहिए. That is very, very dangerous. So we should not play on road or run on the road. This is the first point. Second is, we should always cross the road at the zebra crossing. अगर कभी भी सड़क को क्रॉस करना हो तो what we should use? We should use zebra crossing. Okay? As you can see, you must have seen this kind of zebra crossing which is built on the road. Okay, the black and white strip-like shape, the things which is made on the road, and this is meant for crossing the road by the pedestrians. Okay, the people who are walking on their foot,
they can cross the road from one side to the other side by using this zebra crossing. Okay, this black and white strip like structure which is made on the road. So ye jo zebra crossing hai, you should cross the road only at the zebra crossing because it is safe. Okay, so this is the second point, that we should always cross the road at the zebra crossing. Third, we should always walk on the footpath. Agar hame kabhi walk karna ho sadak par, to we should walk in the sides. Hame bilkul sadak ke kinare chalna chahiye, and better we should prefer walking on the footpath. Now what is the footpath? So this is the footpath. सड़क के साइड में जो सीमेंटेड पेवमेंट जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है, दैट इज नोन एज फुटपाथ. ओके, तो आप इस फुटपाथ पे, इफ यू आर अ पेडेस्ट्रियन, देन यू शुड वॉक ऑन दिस फुटपाथ. ओके, फॉर योर सेफ्टी. वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट आई हैव रिटन, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज ओनली आस्किंग थ्री पॉइंट्स, बट आई हैव रिटन फोर सेफ्टी रूल्स, एंड यू शुड ऑल्सो लर्न फोर सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. सो द फोर्थ रूल इज, वी शुड नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. हमें कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए एक चलती हुई व्हीकल में, वेदर इट इज अ मूविंग बस, मूविंग कार, मूविंग बाइक, वट एवर इट इज, इफ इट इज अ मूविंग व्हीकल, देन वी मस्ट नॉट गेट इन एंड गेट आउट ऑफ दैट मूविंग व्हीकल. किसी भी चलती हुई गाड़ी से ना तो उसमें चढ़ना चाहिए ना उसमें से उतरना चाहिए, बिकॉज दैट कुड बी प्रूव वेरी मच हार्मफुल, डेंजरस और फैटल इवेंट. ओके, दैट मे बी अ कॉज ऑफ एक्सीडेंट इफ वी try to do this kind of thing. Okay, so we should never try to get in or out of a moving vehicle. Kabhi bhi chalti hui vehicle se chadhne aur utarne ki koshish nahi karni chahiye. This is a very bad practice and it may be harmful or dangerous and it may cause accident. So better we should avoid these things. We should not do these kind of things. Okay, so this was the last question of this chapter. And kids, in this chapter, the diagram of first aid box, that is very important. And that is given in my science book, page number 18. The diagram of this first aid box, it is very important. Okay, so you should practice this diagram also. Okay, so now the revision part of this chapter of question answers, book exercises plus keywords, it is over. Okay, you should also revise the chapters properly. And by doing written practice of all the things, whether it is the book exercise or the diagram work or the keywords or the definitions or the question answer part, you should learn it, you should revise it from your fair book notebook, and then you should do written practice of the same in your rough notebook, and then you should check it by yourself from the fair notebook. After doing practice in the rough notebook, you should check out your mistakes from the fair notebook. Okay, and then you should do corrections also. You should, if some spelling mistake is there, you should learn that spelling properly from the book or notebook, and then you should write that spelling at least 5 to 6 times in the rough notebook. Then that spelling, that thing will be in your permanent memory, and in future you will never do the same mistake. Okay, so that is the best key to learn the things, that you should do written practice in the rough notebooks of all the things. So do prepare well, read the chapter thoroughly at least 2 to 3 times. Reading of the chapter is also very important. You should go through the chapter and you should do the reading of the chapter, and plus you should revise all the given book exercises as well as the keywords, okay, plus the question answers, okay, which I have discussed with you right now. So that is also very important. So do well, study well, take care of yourself and of your health, and keep on learning and revising the things of your syllabus, okay, for the midterm exam. That is also very important. And yes kids, those who have not completed their work, their first and foremost task is to complete their book and notebook work and share your work with the subject teacher on her personal number. That is also very important. Your work should get checked by the subject teacher. Okay, so that's all for today's class kids. Take care of yourself. Thank you for the class.